कहीं जय जय कर लो। रिकॉर्ड कर लिया मैंने कि मेरी वीडियो देखते हुए सो रही थी। और ये कौन आया? ये आया अर्जुन राणा। हनी और डिमांडिंग हो जाएगा तुम्हें आज ब्लैक आउटफिट में। गांव पहुंचने ही वाले हम लोग, विकास गए हैं फ्रूट्स लेने के लिए। और आप सब मम्मी के बारे में पूछते हैं कि मम्मी कैसी हैं, तो मम्मी ठीक हैं। ठीक है, अपने बच्चों के साथ लग रहे, पति तो परमेश्वर हो, पर जब भगवान ने ले लिए उनकी इतनी थी, बस क्या करें। अपने बच्चों के यहीं आ गए विकास हर इनका और ज्यादा। ये भी क्या हो रहा है? ए भाई बस रोटी बनाऊंगी बाबू, तो ये फ्रिज में रख के आइए, तो ये मलाई वाला ना। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप सॉल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सुबह के करीब 8 बज रहे हैं और मैं कुछ 7 बजे के करीब उठी हूँ। अच्छी नींद आई, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, ईवी भी लेट थी, बस एकदम सो ही गई थी। हालांकि उसका हुआ कल भी आने के बाद, लाइक जैसे हम लोग मेरठ पहुँच रहे थे उस टाइम पे वो सो गई थी, तो तब भी वो 1-2 घंटा सोई रही, अभी भी सोई, तो वो है कि सबकी थकान सी उतर गई। कल दीदी ने छोले बनाए थे, कढ़ी बनाई थी और हाँ रोटी चावल ये सारी चीज़ तो होती है। अभी नाश्ते में जो है वो आलू की सब्जी, तो नाश्ता करके बस हम लोग निकलेंगे। बस अब नहाने का जो है वो प्रोग्राम चालू करते हैं कि एक 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 नहा लें यहाँ पे। एंड हियर इज अद्वी। हाय, अब तो उतर गई ना थकान तेरी, अच्छा सो के, है ना? तो अब सब उठे हैं ना, तो फ्रेश उठे हैं बिल्कुल। ईवी बल्कि अभी भी सोई हुई है, वो नहीं उठी है। सुबह वो उठी थोड़ी देर के लिए, मतलब 5-10 मिनट देख दाख के हाँ चलो सब सो रहे हैं, फिर दोबारा से वो सो गई, तो अभी सोई रही है। और हाँ, अर्जुन भी आ गया था शाम हनी के साथ वापसी में, तब हनी जॉब से वापस आ रहा था तो वो अर्जुन को पिक करता आया था गाजियाबाद से। तो यस, अर्जुन भी आ गया था तो अर्जुन से भी मिलना हो गया। और अभी हनी और अर्जुन दोनों फिर निकलेंगे, हनी की तो जॉब है ही और वो फिर अर्जुन को ड्रॉप करता हुआ जाएगा। तो हनी को भी लग जाता है यहाँ से, मतलब डेली उसका जो अप डाउन है वो 1.25 घंटे की ड्राइव एक तरफ से बैठती है। और हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ से कि 10:30 तक हम लोग निकल जाएं घर के लिए, फिर 1.25 घंटा लग भी जाता है हमें यहाँ से ससुराल पहुँचने में। तो 10:30 का हमने टैक्सी को बोल दिया है, तो हम यस टैक्सी से जाएंगे। पिछले 2 बार से तो ऐसा हो रहा था कि हम लोग जीजा जी की जो दूसरी गाड़ी है वो ले जाते थे, बट इस बार जीजा जी की जो पोस्टिंग है वो भी दूर की है, तो उनको भी गाड़ी ले जानी पड़ती है और हनी को भी गाड़ी ले जानी पड़ती है, तो दोनों गाड़ी भेज दी है उनकी। तो यस, इस बार फिर हम टैक्सी से जा रहे हैं और इस बार गाँव जाके वी डोंट नो कि हमारा कैसा काम चलेगा, क्योंकि गाँव में इस बार गाड़ी है नहीं। 3 बार गाड़ी दिलवाई है वहाँ पर, वो फिर इधर उधर हो जाती है, तो वही इस बार गाड़ी नहीं है हमारे पास, तो जहाँ भी आना जाना होगा सब जगह टैक्सी करके ही जाया जाएगा। तो देखते हैं वो तो वहाँ जाके क्या सिचुएशन बनती है। और अभी मुझे ये भी नहीं पता कि मैं गांव जाके कितना रिकॉर्ड कर पाऊँगी कितना नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इस बार का माहौल और सिचुएशन अलग है। अब तक का तो मैं सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट कर ही रही हूँ, आगे का फिर भगवान जाने। तो चलिए अभी आपको दिखा देती हूँ, दीदी जो है वो किचन में लगी हुई हैं। एंड नाउ इट्स योर टर्न, गो फॉर शावर। विकास गए हुए हैं, हाँ विकास गए, मैं सबसे बाद में, क्योंकि मुझे कभी ये बैग खोलना, कभी वो बैग खोलना, कभी इनका सामान, कभी उनका सामान, मैं फिर बाद में तैयार होंगी। चलो जी। और ये कौन आया? ये आया अर्जुन राणा। और अर्जुन इतनी बेचैन नहीं हो रही कि बस किसी तरीके से ईवी को उठा दो। उठ गई क्या लाइट? फिर तूने लाइट खोल दी, उठने में ही है बस वो। ओए परेशान ना करे लड़की को। हाय नंदू, दे हाय अद्वी। हाँ अभी तो वही बैठी थी, इतनी जल्दी थी इधर भी आ गई। स्किन क्रीम, हाँ ये वाली देखा। चलो बंद करो फिर, नहीं तो एसी क्यों निकल जाएगी। चलो 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 चलो।
और यहाँ पे हनी का लंच बॉक्स पैक हो रहा है। ये वाला लंच बॉक्स मुझे बहुत सही लगा, ये ना इलेक्ट्रिक है तो गर्म कर लो अपना, और स्टील के डब्बे हैं इसके तो ये सही लगा। ये तीन वाला है, लेके जाऊंगी दीदी, इट्स बेटर माइक्रोवेव, चार का ना वही लेके जाऊंगी। और यहाँ पे ये तो अभी दीदी ने दूध की मलाई निकाल के और दूध वो करके रखा है। और यहाँ पे है सूखे आलू की सब्जी, और जी यहाँ पे ये छोले कल के बचे हुए थे तो दीदी ने ये भी गर्म कर दिया, अभी नाश्ते में आलू की सब्जी छोले, हनी का जो लंच बॉक्स है वो ये, और रोटी दीदी ने सेक दी है उधर, आटा बना रखा है। तो यस ये सब कुछ है। हनी और डिमांडिंग हो जाएगा तुम्हें, आज ब्लैक आउटफिट में फॉर्मल तुम्हें वैच चश्मा। ब्रेकफास्ट आलू मटर की सब्जी छोले और पराठे हमने मना कर दिया भाई, रोटी टेस्टी और चटनी, यस ये देखो भाई चटनी। और ये दीदी और ये नंदू और अद्वी अभी करके गई है लंच, नहीं ब्रेकफास्ट। नींद उतरी नहीं अभी भी। जय 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 कर लो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रिकॉर्ड कर लिया मैंने कि मेरी वीडियो देखते हुए सो रही थी, है ना, अच्छी लोरी सुनाती हूँ ना, सुनते सुनते नींद आ गई। तू आटा बना रही थी वो तो देखा, फिर वो खुली। अब यहाँ सब कुछ तैयार, रोटी बनने वाली है, पास्ता भी बन गया, पास्ता बन गया, बन गया, चाय सुनने लग रही है। आटा तो दोबारा सही भी हो लिया। एवो मैडम फाइनली सो गई, आदत नहीं है ना बिना कार सीट के बैठने की तो वो परेशान ही रहती है, ये वाली गाड़ी भी छोटी है, बल्कि हमारा कुछ लगेज ऊपर भी रखना पड़ा, बट हो गया मैनेज। अब बस गांव पहुंचने ही वाले हम लोग, विकास गए हैं फ्रूट्स लेने के लिए, और भैया दिन में तो गर्मी जबरदस्त हो रही है यहाँ पे, बड़ी गर्मी है, एसी चल रहा है बट इधर से धूप आ रही है ना तो पसीने आए जा रहे हैं। ये देखो इसने मेरठ पूरा उधर मचा के रखा हुआ, तब गाँव जाके देखो क्या हालत होगी, बट गर्मी हो रही है तो लंच से पहले ही हम लोग पहुंच जाएंगे, तो जाके बस लंच बनाना मेरे को। चलो चलते हैं, पहले तो माँ और मम्मी से मिलते हैं। रखा था मेरा साबुन बाहर रखा था जी। देखो मम्मी कितनी सोनी आ रही इस कैमरे में, 1500 का खुद तभी देख रहा था फोन को, आई साली वो पर नीचे आती है इवी आज बाहर, और इवी ने जो है नीचे बैठ बैठ के सारी तो अपनी पैंट सड़ा ली।
और पूरा एक्सप्लोर कर रखा है, वो है हमारा छोटा सा डॉगी, और यहाँ सब बैठे हुए हैं। यहाँ है मम्मी, विकास, अद्वी, आर्य, हाँ कटिया और शौर्य। शगुन है नहीं, शगुन हॉस्टल में, वो आएगी एक दो दिन में। नो इट्स नॉट ब्रोकन, हाँ इट्स नॉट ब्रोकन, डू यू वांट इट? भैया सिलवा ले, हाँ इसे बदलू अभी, कपड़े सब सड़ा लिए इसमें। एवी और वहाँ ईवी ने पानी खिंडा के वहाँ पे होली खेल रखी थी। हाँ जी हाँ है। अभी शाम हो रही है, आते तो ऑब्वियसली कुछ बनता ही नहीं था कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूँ। नीचे माँ के पास बैठी थोड़ी देर, फिर ऊपर आई। खाना मम्मी ने बना लिया था, दाल चावल, बस रोटियां बननी रह रही थी। फिर आके मम्मी के पास बैठी तो बहुत ही अजीब सी फीलिंग, मतलब क्या ही बताऊँ। मैं जब नीचे माँ के पास बैठी थी ना, बार बार यही लग रहा था अब इस कमरे से पापा निकल के आएंगे, अब उस कमरे से आएंगे। बट खैर चलो ठीक है, मम्मी भी ठीक है, तबीयत सही है, तभी एक बार तो देख के ऑब्वियसली इमोशनल हो ही हो, बट उसके बाद ठीक है, सब सही बात कर रहे हैं। अभी शाम का टाइम हो रहा है और दूध के ऊपर से ना मलाई उतार रही हूँ मैं कल को, फिर मुझे घी बनाऊँगी फिर मैं इसका। तो अभी बस शाम को खाने में तो सभी मना ही कर रहे हैं कुछ भी, कि कुछ सब्जी वब्जी कुछ नहीं बनानी है, दाल भी रखी हुई है, तो बस रोटियाँ बनाऊँगी मैं, मन नहीं कर रहा किसी का भी खाने का। ईवी का टाइम इतना गलत हो रहा है, वो अब सो गई है, दिन में नहीं सोई और अब सो गई है वो, तो देखो एक दो दिन में वो भी सेटल हो जाएगी। तो अभी बस मैं रोटी बनाऊंगी। वो अद्वी जो है वो डॉग के पीछे हो रही है बहुत ही ज़्यादा, और ये मेरी गांव की किचन, इन केस आप मुझे पहली बार देख रहे हैं। तो चलो मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा कुछ तो मैं आज रिकॉर्ड कर लूँ, बाकी विल सी, आई विल कंटिन्यू दिस ब्लॉग टुमारो, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा कर ही नहीं पाई रिकॉर्ड, ध्यान भी नहीं जाता ना इतनी देर तक बैठे रहे। बैग्स वगैरह सब हमने खोल लिए थे सबका, सब कुछ जो भी हम लेकर आए थे वो दे दिया है। शगुन का वेट है अभी, शगुन अभी एक दो दिन में आएगी, उसकी छुट्टी है तो वो तब आएगी, उसका निकाल दिया सामान, आके फिर वो अपना देख ही लेगी जो भी मैं लेके आया हूँ उसके लिए। हाँ हेलो, क्या बना रही हो? बस रोटी बनाऊंगी बाबू, ले ये फ्रिज में रख के आइए, तो ये मलाई वाला ना, और सॉरी बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि मैंने ऐसे मलाई उतारी है, ये लो। इतनी ज्यादा आज की नहीं है ये, बस फ्रिज में रखे हैं ये कहीं पे भी, दूध हो नहीं रहा है। मैं क्या से पिछले 5-6 महीने हो गए होंगे भैंस जो है वो दूध नहीं दे रही है, तो दूध जो है वो खरीदा ही जा रहा है, शाम के टाइम आता है तो अभी आएगा शोर गया हुआ लेने के लिए, वो लेके आएगा फिर वो दूध भी गर्म करना है, तो दूध खरीद ही रहे हैं हम यहाँ गाँव में भी, और मलाई से घी हो रहा है जैसे शहरों में करते हैं ना, एक बकरी वही वाला। अब शाम को सब दूध पियेंगे, तो जो ये जो कल आया था दूध जिसकी अभी मलाई उतारी है, दिन में भी यूज होता है बट अब जो बचा हुआ है वो रात को कंज्यूम होगा। लाइटर तो था मैंने, चलो जी आटा शाटा बना लेंगे। You are baby. Baby is baby. Baby, baby, baby. I need a hug. Evie, can you do some exercise, please? Yes, Evie, she's hydration. Okay. Exercise, please. Evie, exercise. No, उसे और ही काम से फुर्सत नहीं है। गुल गुल गुल। और आप सब मम्मी के बारे में पूछते हैं कि मम्मी कैसी हैं, तो मम्मी ठीक हैं। इवन दो जब मैं आई हूँ तो मैं और मम्मी हम दोनों स्ट्रॉन्ग रहे,
और हम रोए भी नहीं बल्कि है मम्मी हम रोए नहीं ना बिल्कुल भी ना। हम नहीं रोए, जो हो गया हो गया। गिलास इधर है, इसमें ये पानी आपका ही है? पानी तेरा ही है। मेरा ही है? मैं तो इस तरह हमारे से तो अटक जाएगी। गर्मी के क्या हाल है आज? तो मुझे लगा बिल्कुल और भी ज्यादा है ना, सुबह तो हवा चल रही थी जब उठे थे, ठंडी तो गर्मी हो रही तभी ठीक है। मम्मी आपके आपके घुटनों के बारे में पूछ रहे थे कि अब कैसी हालत है, घुटने कैसे हैं। इस बार मैं मम्मी की बात फेस टू फेस ही करवा रही सबसे, हर बार मैं बस ऐसे ही ना वॉइस ओवर करके बताऊं कि हाँ मम्मी ठीक है, माँ ठीक है, ये चल रहा घर में। इस बार आप खुद ही बता दो घुटने कैसे हैं पहले से। अच्छे है, ठीक है, दवाई काम कर रही है। चलो अच्छे पर कंडीशन तो वही, बस वही बस काम चला हुआ ही है। हाँ, काम चल रहा है, काम पर है, बिना दवाई काम नहीं चलता। बिना दवाई तो एक दिन नहीं चलता, दवाई तो हमेशा लेनी पड़े। एक टाइम की भी निकल जाए तो हो गया, हो गया अपना ठीक है। अपने बच्चों के साथ लग रहे, पति तो परमेश्वर हो, पर जब भगवान ने ले लिए उनकी इतनी थी, बस क्या करें। अपने बच्चों के यहीं आ गए विकास हर इन, तो और ज्यादा ही प्रेस जीसा खुशी हो रहा ठीक है। कमी तो कभी पूरी नहीं होती, हर चीज पे ध्यान आवे। मैं समय कट जाएगा, बड़े बच्चे हैं तीन, माँ भी मैं, मम्मी भी मैं, बिल्कुल बस ये मेरे ला रहे, मैं इनके ला रहे, अपना हो रहा टाइम पास ठीक है। सही है, और क्या क्या ही करें। पापा ने तो मौका ही नहीं दिया किसी को, किसी भी सही कट जाएगा टाइम, कट जाएगा। वो तो इतना तेरी नहीं होती, इतना कुछ हो रहा है, फिर कुछ हो रहा है। अपने बच्चों के लारा लग जा, अपने बच्चे को देखने पड़े, इनके आगे तो रोया जाए भी नहीं जाता। वैसे भाई बच्चे भी परेशान हो जाएंगे, बाबा प्यार करना थे ज्यादा इन तेरी, बाबा का गुना करना थे। बिल्कुल। अच्छा एक और चीज मम्मी, जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे किसी की डेथ होगी तो उनके यहाँ साल भर तक ना कोई त्योहार होता ना कोई वैसा काम होता। अब जैसे मैंने तो दिखाया वीडियो में कि भाई मैंने होली पे पक्का खाना भी बनाया, तो कुछ लोग कह रहे ऐसे कैसे कर सको। हालांकि ठीक है उनके अपने रिवाज होंगे, हमारे अपने रिवाज है, पर अपने हमने नहीं बनाया। हाँ हमारी परिवार वाली आकर बनाए, वे बना के, पर हर त्योहार पे बनेगा ना, तो वही है कि बनेगा जरूर सारी, ना ब्याह शादी रुकते ना कुछ नहीं रुके, सारी चीज होंगे तो, आपने बनाया मैं परिवार वाले बना लिया। तो वो ये कि हर घर के रिवाज अलग है। कुछ लोग अच्छे तरीके से बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ ऐसे है, कुछ ऐसे है कि ऐसे कैसे कर लोगे आप, ऐसे कैसे त्योहार मना लोगे, पर तो हो जाए। हाँ ये मनाने की वो बात है, हमारे यहाँ वो चलन है ये दिन नहीं मनाएंगे तो वो बस फिर वो मतलब फिर लाइफ टाइम नहीं मना। कोई नहीं मना, बच्चों के जन्मदिन आओगे हमारे, बाबा वैसे नहीं गाय को रोटी दे देंगे, आप अपने घर में कुछ कच्चा पक्का खाना तो बना, वही तो बस वही आननी पड़ने की सब कुछ, अगर ना करा तो फिर वो लाइफ टाइम की हो जाएगा। हाँ ठीक है, बस अपना कट रहा समय अपने बच्चों के ला रहे, बस खेल लगा दिन कट रहे, कट जाएंगे नहीं, अपने बच्चे ठीक होने चाह, बच्चे हमारे ठीक है बस, और क्या चाहिए। रोने को तो रोज बैठ के रो लो, किसी भी टाइम रो लो, पूरा दिन रोते रहो, पूरी रात रोते रहो, कुछ नहीं होता। तीन तीन बज गए, शाम तर पसर के तीन तीन बज गए, सोचू गई रो बात, तू की पिछली बात याद करू गई, कुछ हल तो नहीं गया, कुछ नहीं, सर सर रात नहीं आवे थी, बस वही बात सोचो जाते भाई क्यों होगा घर में, कुछ पता लगा घर सब हो जाएगा, चल रहा ठीक चल रहा, अब लोग ठीक चल रहा, अब ठीक चला हुआ भगवान। वेयर इज शीप, वेयर इज कटिया को शीप कह रही, दैट्स नॉट शीप देयर चच्ची। हां और ईवी को गांव में मजा आ रहा है, यस ईवी एंजॉयिंग, वाओ ओह माय गॉड व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, इट्स हॉट, पता नहीं इसके तो अलग ही ड्रामे हैं। और गांव में आते ही जो है अद्वि ने कुछ करवाया है, दिखाओ, इसने उंगली कटवा ली और इसके लाइक हम वापस जाएंगे फिर इसके एग्जाम्स होंगे, इससे ज़्यादा मुझे डर लग रहा है। पर खैर भगवान का शुक्र रहा कि ज़्यादा नहीं कटी, बट साइड से पूरी छिल गई, कैसे फर्राटा फैन में।
तू कर क्या रही थी? मुझे तो अब तक ये समझ में नहीं आया। दुनिया में जो होता होगा ना इंसान, वो तो फैमिली को बंद करके जब उसको रिलोकेट करता है, इन्होंने से पहले स्विच ऑन किया और फिर रिलोकेट करा। ये एडवेंचर करना चाह रही थी, मतलब दुनिया में कोई भी आदमी होगा कि भाई पहले ये इसको चल रहा है इसे बंद करो, इसे बंद करो तब तक उठा के वहां रखते हैं। स्पेशल तो इन्होंने पहले से स्विच ऑन करा और फिर भी ऐसे उठा रही कि ये बिल्कुल हाँ जैसे उठा लेगी। वो तो अच्छा था, उसकी जो पंखड़ी थी ना वो प्लास्टिक की थी तो इसलिए इतना वो नहीं हुआ, और चूर चूर होगी वो। शीप नहीं है बेटा, इसे देखिए, इसे कटिया शीप, इसे शीप देखनी। इधर इनकी चाचा जी और की देख रहे, और मेरे मच्छर की पहली सौगात यहाँ पे है, ईवी के यहाँ पे है, और अदवी के तो पूछो ही ना, उसके तो पैर में, क्यों वो नीचे भी जाते हैं ना भैंस वाले में, उससे जाके प्यार करना होता है। तो हम ना अभी शाम की चाय पी के बैठे, आज सुबह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था अभी। हाँ, विकास के गले की बैंड बज रही है, और अभी ढेर सारी सब्जी आई है, और मम्मी गई है उधर कि मैं साफ करके रखती हूँ। ठीक है, दोपहर बनाए थे मैंने राजमा चावल, और सुबह क्या बना था, सुबह तो हाँ नॉर्मल जो रोटी होती है, बस रोटी, बच्चों के पराठे बना देते, बाकी सबकी रोटी थी, किसी ने चाय के साथ, किसी ने दूध के साथ, किसी ने दही के साथ, ऐसे खाया था दोपहर। राजमा चावल, रायता, ईवी लाई है नैना उठा के, ईवी की मस्ती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, अपने आप उठा के खा ले चलो ठीक है। और अब मैं बनाने वाली हूँ आलू बैंगन की सब्जी। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कई दिन से ये चलता आ रहा है, और आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ फॉर द फैन नॉइस, क्योंकि बिना पंखे के बैठा नहीं जाता है बिल्कुल भी। बाय बाय।